दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आप सब ज्योतिष और अध्यात्म की तमाम वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखते हैं। मुहूर्त आदि हो या राशिफल के बारे में हो, तमाम सभी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता हूँ। हम सीरीज वाइज यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि लग्नेश का फल द्वादश में है क्या रहेगा। द्वितीय भाव का स्वामी यानी सेकंड लॉर्ड 12 घरों के अंदर, यदि 12 घर में से कहीं भी बैठते हैं, उसका फल क्या होगा। इसी प्रकार से पूरे सीरीज के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, यानी आपकी पूरी जन्म कुंडली आप घर बैठे देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। ज्योतिष के अनेक अनेक पहलुओं पर मैं आपके साथ पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे, यदि जन्म कुंडली के षष्टम भाव के जो लॉर्ड हैं वो कुंडली के 12 घरों के अंदर कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठते हैं, उसका फल क्या रहेगा। आप समझ चुके होंगे, थोड़ा और इजी कर दूं, यानी 6 लॉर्ड कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बैठ जाएं, 12th हाउसेस के अंदर कहीं पर भी बैठते हैं, उसका क्या फल होगा। दर्शकों, इस चर्चा को मैं शुरू करूं। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार हमारे विजिट चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको सबसे पहले अध्यात्म और ज्योतिष की अपडेट प्राप्त होती रहे। अगर आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होता है, आपके मन में कोई संदेह होता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत किसी प्रकार से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे जन्म कुंडली बनाना हो, जन्म कुंडली दिखाना हो, मैचिंग आदि हो, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं या नीचे लगातार जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात यहां पर जब करें आज इस एपिसोड में षष्ठी की यानी 6 लॉर्ड की, तो उससे पहले यह समझ लेना यहां पर आवश्यक हो जाता है कि छठा घर किसके लिए होता है। वैसे आप में से बहुत सारे दर्शक इस बात को समझते हैं, छठे भाव से हम लोग रोग का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं और शत्रु का विचार करते हैं। प्रमुख रूप से हम इन चीजों को यहां यानी षष्ठम भाव से देखते हैं, कुंडली का छठा भाव। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 6 लॉर्ड पर कर रहे हैं, यानी षष्ठेश पर कर रहे हैं, छठे भाव के मालिक पर कर रहे हैं, यानी षष्ठ भाव का अधिपति हमारी जन्म कुंडली में कौन है। सबसे पहले तो आप उसको देखिए, वो शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, ठीक है। मैं उसके आधार पर भी आपको चर्चा करूंगा, आपको सीरीज से आपको जो है लगातार वीडियो को आप देखें और समझें, क्योंकि आप बीच में स्किप करेंगे तो बात आपके समझ में नहीं आएगी। प्रारंभिक और अंतिम चर्चा को सुनना परम आवश्यक हो जाता है किसी वीडियो के अंदर, क्योंकि बीच में तो आप अपने सीधा टॉपिक पर चलेंगे, आपका षष्ठेश फर्स्ट में बैठा तो क्या फल है, सेकंड में बैठा तो आप उसको सुनेंगे, लेकिन प्रारंभिक चर्चा आप जरूर सुने तभी आपको बात समझ में आएगी। तो षष्ठेश आपका यानी ऋण रोग रिपु शत्रु का जो आपका जो मालिक है उस भाव का कुंडली के अंदर वो कहाँ बैठा हुआ है। मान लो वो लग्न में बैठा हुआ है, क्योंकि द्वादश भाव के अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में और सेकेंड हाउस में, मान लो लग्न में बैठा यानी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं वो दिव्यमान सागरी के आधार पर कर रहा हूं। यहां पर लिखा है कि षष्ठेश लग्न में बैठा हो ऐसा जातक निरोग होता है। कारण क्यों? क्योंकि रोग का मालिक है। और कहां बैठा हुआ? स्वास्थ्य के घर में बैठा हुआ है। समझ रहे ना लॉजिक को? जो षष्ठ का यानी रोग का जो मालिक है, जहां से रोग उत्पन्न होना है, जहां से शत्रु उत्पन्न होंगे, उसका अधिपति कुंडली के सबसे बलवान भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। और अगर उसकी स्थिति वहां पर उच्च की होती है, यह वो स्वग्रही होकर वहां पर बैठता है, ऐसे व्यक्ति जीवन काल में रोग परेशान नहीं कर सकता, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी ऐसा व्यक्ति आनंद के साथ जीता है। भाई छोटी मोटी समस्याएं तो सामान्य होती है। तो लग्नेश यदि षष्ठेश यदि लग्न भाव में बैठता है तो व्यक्ति निरोगी होगा, इसके साथ ही बलवान होगा, हृष्ट पुष्ट अपने जीवन काल में जो है वो अपने आनंद के साथ व्यतीत करता है, कुटुंबी जनों को कष्ट कभी नहीं पहुंचाता, आत्मजन सब सुप्रेम रखने वाला होता है और एक दूसरे की सहायता करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, कुटुंबी पक्षों का आदर सम्मान करते हैं और शत्रु को जीतने वाला, क्योंकि शत्रु भाव का मालिक है, लगन भाव में पड़ जाए प्रबल तो यहां से आदमी बलवान होगा, बलिष्ठ होगा और कुशाग्र बुद्धि का होगा, जिससे वो शत्रु को हर कदर हर हर स्थिति में साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनाना पड़े लेकिन वो शत्रु को जीतेगा।
तो यानी षष्ठेश यदि लग्न भाव पर जाकर के बैठता है तो ये बहुत बेहतरीन स्थिति है। धन कमाने में ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद होते हैं और अनेक प्रकार से धनार्जन धन का उपार्जन करते हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में कभी भी बड़ा कर्ज नहीं लेना पड़ता। ऐसा व्यक्ति हमेशा देने वाला होता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यदि द्वितीय भाव में षष्ठेश बैठ जाए तो मानसागरी के आधार पर जो उसका फल का कि धन भाव के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति जन्म ऐसे जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रूर वृत्ति के होते हैं, कठोर डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं, साथ ही साथ बड़े चतुर होते हैं। धन भाव के अंदर बैठ रहा है तो स्वाभाविक है कि धन की ऐसे व्यक्ति के पास कमी नहीं होने देगा। यहाँ पर शुभ अगर वो शुभ ग्रह के साथ में है या शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर है, पापाक्रांत नहीं है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अत्यंत प्रचुर मात्रा में धन का लाभ संग्रह कर पाता है। बड़ी अच्छी स्थिति यहां पर बताइए। चतुर होता है धन कमाने में और उत्तम अपने स्थान से छोड़कर ऐसा व्यक्ति परदेश में जाकर ज्यादा स्थिति बनती है कि वो धन कमाता है। परदेश में रहकर के अपनी स्थिति को बेहतर बनाता है और अपनी ख्याति को अपने वंश का नाम उजागर करता है, अपने माता पिता का नाम ऐसा व्यक्ति उजागर करता है और कहीं ना कहीं वो अपने कुल का उद्धार करता है धर्म कर्म के माध्यम से, क्योंकि धन होगा तभी तो धर्म कर्म होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे लोगों के पास धन होता है लेकिन वो ख्याति में नहीं लगाते, उसको गलत जगह मतलब जो उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहा वो धन का उपार्जन करता है और धन उपार्जन करने के बाद अच्छी स्थिति में धन को व्यय करता है, अच्छी जगह पर जो है धन को लगाता है। साथ में ऐसे लोग जो हैं बहुत ज्यादा मित्रता जो है किसी से घनिष्ठ मित्रता नहीं करते हैं, कार्य तक सीमित है। तृतीय भाव के अंदर यदि षष्ठेश जाकर के बैठता है ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं लोग को कष्ट देने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों के लिए वो वहां पर जो है उनको कष्ट देने वाले होते हैं। अगर ये शत्रु ग्रह है या शत्रु से पीड़ित है तो नीच कर्म करने वाला ऐसे व्यक्ति होता है। अगर शत्रु क्षेत्रीय है ऐसे व्यक्ति कठोर निर्णय लेते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, हताशा और निराशा में खुद भी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और अगर वह शुभ ग्रह हो तो इसके विपरीत भी इसका परिणाम देखा जाता है। लेकिन थोड़ा झगड़ालू जैसी वृत्ति ये यहां पर स्वाभाविक हो जाता है, क्रूर स्वभाव यहां पर देखा जाता है। और धन यदि ऐसा व्यक्ति जो अर्जित करते अपने जीवन काल में वो बड़े पुरुषार्थ के साथ करते, मेहनत ऐसे लोगों को ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर षष्ठेश चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हो का षष्ठाधिपति ज्योति पितृ तनयो वैरण स्तमित कुरुते स्वरूप वितासो सुमृतो लक्ष्मीम लभते नरक सुचिम, ऐसे में वो अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी की किसी प्रकार से कमी नहीं होती है, पिता के शत्रुओं को जीतता है, अपने शत्रुओं को जीतता है और सभी प्रकार के वैभव को धन को ऐसा व्यक्ति अर्जित कर लेता है। लेकिन ऐसे लोगों के पिता को रोग होने की संभावनाएं रहती हैं, ऐसे व्यक्ति के पिता को जो है रोग होने की संभावनाएं होती हैं और चिरकाल तक वह पुत्र रहित जीवन यापन करने में भी कभी कभी देखा जाता है। अगर वहां पर पापाक्रांत है वो या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, संतान पक्ष निर्बल है, तो कई बार देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति चिरकाल जीवन में संतति रहित रह जाता है। और यदि पंचम भाव में षष्ठेश जाकर बैठता है तो वो पुत्र से पुत्र से जो है शत्रु भाव रखता है, पुत्र के साथ बनती नहीं है। बहुत सारे लोग कुंडली विश्लेषण के दौरान जब इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो वहां पर आता है कि बच्चों की साथ में पढ़ती नहीं, केमिस्ट्री अच्छी नहीं बैठती है, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। साथ में अगर षष्ठेश शुभ ग्रह हो तो निर्धन की स्थिति बना सकता है शुभ ग्रह यहां पर हो तो, और अगर दुष्ट और पापक ग्रह यहां पर हो तो व्यक्ति को कपटी बनाता है। अगर यह षष्ठेश षष्ठम स्थान पर जाकर के बैठ जाए तो जातक निरोग, अगर यदि षष्ठम स्थान पर बैठे तो निरोग और अकारण जो है लोगों से शत्रुता करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है, अकारण कृपण होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अब कहीं ना कहीं दूसरों को शत्रुता उसके साथ करके उनको सता करके परेशान करके अपने आप को सुखी महसूस करते हैं और कभी भी खिन्न होने वाला जो है ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। शत्रुता भी रखेगा लेकिन फिर भी खिन्नता नहीं, फिर भी प्रसन्नता है, किंतु दूसरे को दूषित करके दूसरे को परेशान करके ऐसे व्यक्ति खुद प्रसन्न रहते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बनता है। अगर षष्ठे सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसकी स्त्री विरुद्ध आचरण करने वाली होती है। अगर जाया भाव की स्थिति भी और प्रतिकूल हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन काल में कभी भी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो सकता। विपरीत आचरण करने वाली उनको पत्नी या पति की प्राप्ति होगी। क्रोध उनके अंदर होगा, बात बात में नोकझोंक, बात बात में एक दूसरे का विरोध प्रकट करना, ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन संताप जो है उनके जीवन में हमेशा बना रहता है, कभी भी शांति नहीं, संताप की स्थिति प्रकट होती है। और यदि शुभ ग्रह हो तो वो वंध्या होगी, उसको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और वो जो है अगर गर्भ धारण करती भी है तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। अगर संतति का भाव अगर मान लो बहुत प्रबल नहीं है तो संतान न होने की भी यहाँ पर स्थिति बन जाती है। अगर यह अष्टम जो अष्टम स्थान पर यदि षष्ठेश बैठता है तो वो संग्रहणी रोग का शिकार हो जाता है। संक्रामक जो रोग होते हैं ऐसे रोग उनको होने की संभावना होती है। मंगल हो तो विषधन सर्पादि का योग यहाँ पर बन जाता है। और बुध हो तो विष से ऐसे लोगों को खतरा रहता है। जबकि चंद्रमा अगर हो षष्ठेश बन करके तो शीघ्र मरण आदि स्थिति हो जाती है। कई बार बचपन में जो है बहुत सारे बच्चे, अब तो खैर ऐसी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन फिर भी जो है ये दोष उनको कहीं ना कहीं आयु पर उनके दिक्कत करता है। और अगर षष्ठेश जो है नवम भाव के अंदर बैठ जाए यानी भाग्य भाव में बैठ जाए लेकिन पाप ग्रह हो तो जातक को कहीं ना कहीं कोई अंग में दिक्कत होगी, खासकर पैर में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बंधुओं का विरोधी ऐसा लोग होते हैं, शास्त्र को न मानने वाला, शास्त्र निंदा करने वाला, एक दूसरों की बुराई करने वाला। और शुभ ग्रह हो तो वहां पर याचक जैसी स्थिति आती, धन की दिक्कत हो सकती है, धन में कमी आ सकती है, धनागम के स्रोतों को ही कमजोर करने वाला। और यदि षष्ठेश दशम भाव के अंदर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मातृभक्त होता है अगर वो शुभ ग्रह हो, और अगर पाप ग्रह हो तो वो माता पिता का विरोधी बन जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति शुभ ग्रह हो तो वो संतान को अच्छी तरह से उनका जो है भरण पोषण करता है, और पाप ग्रह होने पर वो उनका भी विपक्षी होता है। धनागम के मामले में देखें तो धन के बहुत अच्छे स्रोतों को प्रकट नहीं कर पाता, जीवन काल में उसको मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे लोगों को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाले काम पसंद आते हैं, कमीशन एजेंट ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं, वह काम उनको अत्यंत मात्रा में शूट करता है। और अगर ये षष्ठेश एकादश भाव में बैठ जाए और पाप ग्रह हो तो वो शत्रु से भी जो है कुछ ना कुछ अर्जित कर लेता है, शत्रु पक्ष को भी घेर के रखता है, शत्रुओं पर हावी होता है और वहां से भी धन उगाही कर लेते हैं ऐसे लोग। अगर हम बात करें वो पाप ग्रह हो तो शत्रु से उसकी मरण की स्थिति भी पैदा हो जाती है, शत्रु आघात होने की स्थितियां रहती हैं वहां पर, शत्रु से पराजित होने की स्थितियां रहती हैं। और शुभ ग्रह हो तो वो चोर और शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। जो पापी लोग हैं उनको जो है सताने का काम करता है, जो लोगों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों पर ये भारी पड़ते हैं। चौपाई और पशुधन प्रॉपर्टी आदि से इनको लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि षष्ठी द्वादश में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पशुधन से हानि होती है। अगर जो है वो उसका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं दौड़ धूप में व्यतीत हो जाता है, फिजिकल स्ट्रगल उसको बहुत ज्यादा करना पड़ता है, धन आगम की स्थिति को लाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपने जीवन में अपनाने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर के जीवन काल में उसको कहीं सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कर्ज भी लेना पड़ता है, बड़े कर्ज में रह करके कई बार इनका जीवन व्यतीत होता है। तो ये था जो है लग्न से लेकर द्वादश भाव के अंदर यदि षष्ठेश कहीं भी बैठा हो उसका फल। व्यक्तिगत आप कोई जानकारियां लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, और सामूहिक रूप से किसी प्रकार का कोई प्रश्न है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।